तो अपन सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो कुछ इस क्लास में अपन पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से पेपर फ्रेम किया जाता है, ठीक है ना। इस पेपर के बाद में कई मैसेजेस मुझे मिले फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के अपने चैनल के ऊपर कि सर पेपर आपका था क्या, क्योंकि अपन ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, आप भी जाके देखना आज उसको। मैं अभी कोशिश करूँगा यहाँ पे खोलने की, आप आएंगे उसमें से 80 से 90% सवाल यूँ कहीं उठ गए, जो हमने कहे थे वो एग्जैक्टली है। हमने कहा था इस यूनिट में से ये सवाल पिछली बार पूछ लिया गया है, इस बार नहीं पूछा जाएगा, ये बनने की संभावना बनती है, बिल्कुल वही बने और एग्जैक्टली वही सवाल आए, ठीक है। तो आज जाके सब लोग, मैं लिंक भी दे दूंगा आज का ये वीडियो भी अपन यूट्यूब पर डाल देंगे और आप पाएंगे उसके नीचे वो लिंक होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। करीब 1.25 घंटे की क्लास थी वो, और हमने पूरे कोर्स को 100% की बजाय 60-70% में कन्वर्ट कर दिया था, उतना ही बच्चों को करके जाना था। और जैसा आपको कहा जाता है हर बार कि आपको क्या लेके बैठना साथ में, चार्ट बुक लेके बैठनी है हमारी, जिसमें आज की तारीख में जो अपन मटेरियल में पढ़ रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए उसके अंदर। केवल चार्ट बुक की हेडिंग और सब हेडिंग से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। कुछ जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट थे जिन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था, उनका एक और मेथड आया, वो मैसेजेस में आपके साथ शेयर करूंगा। बोले सर ये अच्छा किया आपने डिटेल में हमें स्टडी करवा दिया, बाकी हेडिंग सब हेडिंग से तो काम नहीं चलता हमारा, उससे तो हम फेल ही हो जाते। ये भी एक मेरे पास एक मैसेज आया और ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा है। तो अकेले हेडिंग सब हेडिंग से बात नहीं बनने वाली, डिटेल स्टडी चाहिए। अभी आप सवाल देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अपनी स्टडी कैसी चल रही है, हम उसी अनुसार काम कर रहे हैं जिस अनुसार पेपर आता है, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है वैसे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर 2 में एक पॉइंट आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। 3 कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वहाँ पे, एक होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक होता है एक्सपीरियंस कर्व। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स को मिला जो हमसे इंडिया भर में पढ़े थे, चाहे यूट्यूब चैनल से माध्यम से पढ़े, चाहे फेस टू फेस पढ़े, सबको वो बेनिफिट मिला किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। देखें अपन इस पेपर को। पेपर का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, एक्सप्लेन द डेटा फ्लो डायग्राम। देख रहे हैं अपन, पहला सवाल क्या है, कंपलसरी है, देख पा रहे हैं सारे लोग, पहला सवाल कैसा है, कंपलसरी दिख रहा है सबको, ठीक है। ये डेटा फ्लो डायग्राम पे सवाल था हमारा, ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम पे। डेटा फ्लो डायग्राम कहां से था हमारा, चैप्टर नंबर 1, ध्यान हो तो हमने क्या बताया था, डेटा 2 नंबर का ही है, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, क्या लिखना था अपने को, डेटा फ्लो डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ डेटा विद इन ए फंक्शनल डिपार्टमेंट। 4 सिंबल यूज किए जाते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, प्रोसेस का सिंबल, डेटा फ्लो का सिंबल, एक्सटर्नल एजेंट का सिंबल और कम्युनिकेशन का सिंबल, डेटा फाइल का सिंबल। यही बताया था अपन ने कि कुछ और बताया था, ध्यान आ रहा है सबको, लिखो कहां आया ये, पेज नंबर 18 चैप्टर नंबर 1 में ये पूछा हुआ है। ये रहा पेज नंबर 18, देखो भी सब लोग, ये बताया था हमने क्या है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन ए फंक्शनल डिपार्टमेंट। ये बताया था हमने, 4 सिंबल कौन से यूज होते बताए थे हमने, प्रोसेस होता है, डेटा फ्लो होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है, डेटा स्टोर होता है और कम्युनिकेशन का लिंक होता है। क्या नहीं लिख सकते थे, 2 नंबर स्कोर किए कि नहीं किए अपन ने इससे, हो सकता है बहुत अच्छे से किया था अपन ने। अगला सवाल देखें क्या पूछा गया हमसे, नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स किसको कहते हैं। ये अभी अपने चैप्टर 3 में हमने पढ़ना है, रादर चैप्टर 2 में हमने अभी पढ़ना है इसको। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, बेसिकली डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है किसी दी गई डेटा सेट में से इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन के लिए एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, ठीक है ना। उसका नाम क्या रखा गया है, डेटा एनालिटिक्स। कहां मिलेगा अपने को, हमारे नोट्स में पेज नंबर 78 पे है, चैप्टर नंबर 2 में। देखें अपन कहां पे अपने को नजर आएगा, ये पेज नंबर 72 पे नजर आएगा हमारे को, चैप्टर नंबर 2।
अब ये टॉपिक आना है अपने, पढ़ ही रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 2 को। हमने वैसे XBRL को भी प्रिडिक्ट किया था लेकिन वो पूछा नहीं गया है, तो अब आपके लिए XBRL तो पक्का बनता ही है क्योंकि जो बाकी सवाल इससे बनने चाहिए थे वो सब बन चुके। तो मई 19 के लिए आप लोग XBRL को इम्पॉर्टेंट मान ही ले, आपके लिए XBRL आएगा और ये YouTube पर डाल ही दूंगा। मई 19 में फिर ऐसी एक क्लास के बाद में हम बैठेंगे और कहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए में से सवाल आया, आपके लिए XBRL है। तो देखें ये रहा डेटा एनालिटिक्स पेज नंबर 78 पे क्या लिखा हुआ है डेटा एनालिटिक्स। देखो मैंने कहा था बच्चों को पढ़ाते हुए भी कि डेफिनेशन याद करनी है। क्या होता है डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डेटा सेट टू ड्रॉ कंक्लूजन अमंग द इंफॉर्मेशन दे कंटेन इंक्रीजिंग विद एड ऑफ स्पेशलाइज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। कीवर्ड के साथ याद कर सकते हैं अपन इसको, आज तक का याद करने का तरीका सबको पता है, बस उसी तरीके से याद करना है। और आप अगर हमारे चार्ट बुक को उठा के देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें ऐसे आपको नजर आ जाएंगी। जो चीजें अगर आपको लगता है कुछ और इलाबोरेट करने की आवश्यकता है तो क्या करना है अपने को, अपने मेन नोट्स में से चार्ट बुक को और बेटर करते चले जाना है। एग्जाम के दिन में मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, 60 पेजेस की चार्ट बुक लेके बैठना है, फ्लो चार्ट के पेजेस को लेके बैठना है और साथ में लेके बैठना है हमारा क्वेश्चन बैंक। अभी क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस मैंने नहीं किया है, वो करके एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा मैं, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन बैंक में से भी पिछली बार से परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। पिछली बार हमारे पास में 67 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे ESSM के क्वेश्चन बैंक से, इस बार उससे ज्यादा कई होंगे। मैं पेज नंबर वाइज आपको नोट करा दूंगा, उसका एक एनालिसिस कर लेते हैं कल संडे के दिन, फिर उसको आपको बता देंगे। तो बेटर परफॉर्मेंस है अपनी पहले के मुकाबले, आप इसे ढंग से करेंगे यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रिपेयर करने से एग्जाम में पास करना दिक्कत नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं सत्य को कभी लोगों तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, ये तो बात अपन अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। एक बड़ा पिछले 2-2.5 साल से चल रहा था कि हेडिंग सब हेडिंग कर लो पास हो जाते हैं और रट रट के लोग चले जाया करते थे। इस बार के एग्जाम में वो फिर बात गलत प्रूव हो गई कि नहीं कर सकता ऐसा। आमला तो थोरो स्टडी का है और 2019 मई तो वैसे भी आपने कल MCQ देख ही लिए हैं और साथ में थोरो स्टडी भी चाहिए हमारे को, और साथ में जो सवाल ये फ्रेम किए जा रहे हैं, अभी तो सवाल शुरू नहीं हुए, तो डायरेक्ट सवाल है, आगे देखो सवाल कैसे आया करते हैं। तो आपको केवल हेडिंग सब हेडिंग की बात नहीं करनी पड़ेगी, अंदर का मैटर भी समझना होगा तभी कुछ लिख पाएंगे, ठीक है ना। मेरे पास इस एग्जाम से पहले भी जो बीच के 2 दिन का गैप था ना, कई स्टूडेंट के फोन आए इंडिया भर से, और जो अपने स्टूडेंट भी नहीं थे इस क्लास के उनसे भी फोन आया कि सर लिखना क्या है, हमने तो हेडिंग और सब हेडिंग ही याद की है, वही करवाया हमारे को। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जब तक कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होगा तब तक लिखने के लिए मैटर नहीं मिलेगा। लिखोगे क्या, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर के सवाल आते हैं, आपका सब्सटेंस ही नहीं होगा तो कैसे स्कोर कर पाओगे। तो स्कोर करने के लिए पहले कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद हेडिंग सब हेडिंग और उसके साथ लिखने के मैटर क्या आपको बताए जाते हैं कीवर्ड समेत अपने को याद करने हैं। अकेले हेडिंग सब हेडिंग से पास नहीं कर पाएंगे ये तय है, इंडिया भर से जो फीडबैक आया है मेरे पास में उसके आधार पर बता रहा हूं। क्लियर हो गया ये, पेज नंबर 78 पे चैप्टर नंबर 2 में अपन ने इसको देखा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्रिप्टोग्राफी किसको कहते हैं, चैप्टर नंबर 3 में है ये। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक, मतलब क्या होता है, आप अपने एक टेक्स्ट मैटर को नॉर्मल अल्फाबेटिक न्यूमेरिक से एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देते हो जो किसी को समझ में नहीं आता है। डेफिनेशन वाइज कहूं तो क्या होता है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट, ये टेक्निकल वर्ड है, मतलब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है हमारे यहां पे, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। ये भी हमारे नोट्स में दे रखा है पेज नंबर 120 पे अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। देखो भाई पेज नंबर 120 चैप्टर नंबर 3 खोल लो सब लोग 120 पे। ये रहा आपका 120। बाउंड्री कंट्रोल का सबसे पहला कंट्रोल कौन सा है हमारा, क्रिप्टोग्राफी। अगर आपके पास में हमारे दिए गए 24 पेज हैं फोटोकॉपी वाले जो कि फ्लो चार्ट के लिए अपने बताए थे, तो उसके सबसे लास्ट पेज पे भी हमने इसको दे रखा है। ये अगर 24 पेजेस है ना आपके, तो इसके लास्ट पेज पे आ जाओ। इस लास्ट पेज में सबसे पहला कंट्रोल कौन सा है, बाउंड्री कंट्रोल, उसका पहला हिस्सा कौन सा है,
क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, वही डेफिनेशन है जो यहां पे लिखी हुई है। देखो क्या है जो मैंने आपको बताई थी, इट डील्स विद द प्रोग्राम फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट। ये बोला था मैंने, साइफर का मतलब होता है ऐसे फॉर्म में जिसको नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाता। मतलब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्लियर टेक्स्ट से अपने डेटा को क्रिप्टोग्राफी टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं। तीन तरीके के मेथड इसमें होते हैं, ट्रांसपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन और प्रोडक्ट साइफर। बस इतना लिख के आना था, क्या दो नंबर नहीं स्कोर कर सकते थे? बोले ये पहला वाला जो सवाल होता है ना, मैं बार बार इस पे इंफेसिस क्यों पुटअप करता हूं, ये पहला सवाल आसानी से 10 नंबर का सभी स्कोर कर सकते हैं। करना क्या है, जितनी डेफिनेशंस मैंने अंडरलाइन कराई हैं आपको क्लास में, चाहे आईटी ईआईएस पोर्शन में हो या एसएम पोर्शन में हो, आपको याद कर ही लेनी है, इन्हीं से आता है और बड़ी आसानी से इसको स्कोर किया जा सकता है सभी के द्वारा। ठीक है, अटेंटिव होकर काम करना है अपने को। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, डिजिटल लाइब्रेरी किसको कहते हैं? सबको पता है मेरे ख्याल से, चैप्टर नंबर 4 क्या होती है डिजिटल लाइब्रेरी, ई कॉमर्स का कंपोनेंट। क्या होता है इसमें, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेजेस का एक कलेक्शन एक स्पेशलाइज प्लेस पे रखा जाता है। क्या नाम देते हैं अपन इसको, डिजिटल लाइब्रेरी। देखो कहां मिलेगा हमें, पेज नंबर 156 पे, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 156 पे आ जाओ। ये रहा डिजिटल लाइब्रेरी। क्या बताया मैंने डेफिनेशन, देखो डिजिटल लाइब्रेरी इज ए स्पेशल लाइब्रेरी, वर्ड आना चाहिए स्पेशल लाइब्रेरी, कीवर्ड हमारा, विथ फोकस कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट, जो क्या क्या हो जाते हैं, टेक्स्ट विजुअल ऑडियो मटेरियल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये तो बताया मैंने, बस इतना लिखने के दो नंबर नहीं मिल रहे हैं अपने को, है ना। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन इसका, तो बताओ स्कोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? ये तो मेरे ख्याल सबको याद है आज भी, है ना, अपने बहुत इंफेसिस पुटअप किया था इसके ऊपर। नेक्स्ट सवाल है, प्रॉक्सी सर्वर किसको कहते हैं? प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो डायरेक्टली सर्वर पे जाने से पहले मैसेजेस को अपने थ्रू रूट करता है। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हम सर्वर तक जाने का रास्ता प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ढूंढते हैं। क्यों लगाया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लोड बैलेंसिंग। ठीक है, कहां मिलेगा हमें, पेज नंबर 211 पे, चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा हमें। सर्वर के डिफरेंट टाइप दे रखे हैं चैप्टर नंबर 5, सीबीएस में कोर बैंकिंग सिस्टम में उसमें मिलेगा, पेज नंबर 211 पे हमें ये, पेज नंबर 211 देखो, मिल गया क्या सबको, पेज नंबर 211 मिला सबको। और जो डेफिनेशन मैंने बोली शायद वही दिख रही होगी आप सबको। देखो ये देखा, सर्वर का डिफरेंट टाइप दे रखा है सीबीएस में, ये रहा आपका प्रॉक्सी सर्वर। क्या करता है प्रॉक्सी सर्वर, जो मैंने डिफाइन किया देखो वही लिखा हुआ है, ए प्रॉक्सी सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट ऑफर ए कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज टू अलाउ क्लाउड क्लाइंट टू मेक इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन टू अदर नेटवर्क सर्विसेज। ये क्या करता है, इनडायरेक्ट तरीके से आपको नेटवर्क सर्विसेज तक जाने के लिए मजबूर करता है। पर्पज क्या है, इनकेस ऑफ एनी अटैक प्रॉक्सी ही उसको हैंडल कर ले। ये जितने बैंक के हमारे सर्वर होते हैं ना, सब प्रॉक्सी यूज करते हैं ताकि कोई मेन सर्वर पर जाके आपको फाइनेंशियल नुकसान नहीं पहुंचा सके। रेलवे का सर्वर प्रॉक्सी यूज करता है, बैंकों के सर्वर यूज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के यूज करते हैं, सारे लोग प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ सर्वर। बताओ 10 नंबर आसानी से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ठीक है ना, और ये सब हमारे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रिडिक्ट भी किए गए थे। ठीक है ना, आपके भी क्लास को जब फिनिश करेंगे तब हम बकायदे क्लास को लगाएंगे ये एसएसएम के इंपॉर्टेंट बताने के लिए, जो कि इन दो अटेम्प्ट में क्या पूछे गए उनके बेसिस पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, किसका फायदा मिलेगा अपने को, एक्सपीरियंस कर्व का। ठीक है ना, एक्सपीरियंस बाजार में मिलता है क्या, ये खरीद ले मैं अपन, नहीं मिलता है। एक्सपीरियंस के लिए तो एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ठीक है ना, और इसीलिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम पिछले जो 30 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए और 60 एग्जाम सीए के अटेम्प्ट हो गए, उससे अपन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि अब इंस्टीट्यूट क्या पूछना चाहती है और क्या आ सकता है। ठीक है ना, कल जैसे कई लोगों ने कहा सर पेपर आपका था क्या, आपने जो इंपॉर्टेंट मार्क कराया वही आ गए। पेपर किसी का भी हो लेकिन अपन प्रिडिक्शन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना, इंस्टीट्यूट के पैटर्न को देखते हुए। सिंस 1989 अब तक करीब 1.5 लाख से ज़्यादा तो स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे भारत भर में, और 150 के ऊपर एआईआर रैंक्स हैं अपने पास में, हर साल अपन रैंक दिया ही कर रहे हैं। ठीक है ना, इस बार भी एग्जाम के अटेम्प्ट में देखें कितनी रैंक आया करती है, एक्सेल हमेशा रैंक प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती है, करती है ना, तो इस बार भी रैंक प्रोड्यूस करेंगे। अब देखना है कौन कौन लाते हैं, और मे 19 में आप में से कुछ लोगों में से हम होप करते हैं, ठीक है ना, लाने की कौन कौन कोशिश करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला सवाल जो आप सबको भी करना है। आज इस क्लास का बेसिक पर्पस ये भी है आप सब में कॉन्फिडेंस लाना कि आपने जो पढ़ा है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कल जो हमने एमसीक्यू का किया था उससे भी हमें पता चला कि हम लोग कंसेप्चुअली स्ट्रांग है। ठीक है,
और ये भी हमें पता चल रहा है हमें मार्किंग पैटर्न कैसे अटेंड करना चाहिए। तो पहला सवाल कंपलसरी है, वैसे भी करना है और स्कोरेबल भी है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टू को। इस क्वेश्चन नंबर टू में हम डिस्कस करेंगे, पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM डज नॉट क्रिएट ए रिस्क फ्री इन्वायरमेंट, रादर इट इनेबल मैनेजमेंट टू ऑपरेट मोर इफेक्टिवली इन द इन्वायरमेंट फिल्ड विद द रिस्क। मैं बार बार इस बात को समझाता था, गाड़ी में ब्रेक इसलिए नहीं होते कि हमें गाड़ी को रोकना है, बल्कि गाड़ी में ब्रेक इसलिए होते हैं कि आप गाड़ी को ज्यादा तेज चला सके और ब्रेक के माध्यम से उसे कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली ERM का मकसद आपके रिस्क हटाना नहीं है, आपका मकसद होता है इस रिस्क इन्वायरमेंट में कैसे बेटर एफिशिएंटली काम किया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट की बात हो गई। इन द व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द वेरियस बेनिफिट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी सीक टू अचीव बाय इंप्लीमेंटिंग द ERM प्रोसेस विद इन द एंटिटी। तो इस पूरे सवाल को समझें तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, बेनिफिट्स ऑफ ERM पूछा जा रहा है, कुछ और पूछा जा रहा है क्या? तो आपको सवाल में से इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है हमसे ये बेनिफिट्स ऑफ ERM। क्या कंफ्यूजन है क्या इस सवाल को समझने में किसी को? क्लियर है बात आ रही समझ में, क्या पूछा जा रहा है? बेनिफिट कहां मिलेगा हमारे को? पेज नंबर 9 पे अपन ने पढ़ा है, देखो ये 6 नंबर का मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, आप मेरे उस वीडियो में देख लेना, इसको हमने मार्क करवाया था कि ये पूछा जाएगा और पूछ ही लिया गया अपने को। कहां मिलेगा अपने को? पेज नंबर 9 पे मिलेगा, बेनिफिट्स ऑफ ERM। मिल गया सबको? क्या क्या बेनिफिट्स हैं जरा बताओ। पहला बेनिफिट क्या था हमारा? व्हाट वाज द फर्स्ट बेनिफिट? नोट्स है ना आपके पास में, क्या पहला बेनिफिट बताया जा रहा है बताओ? हाँ तनिष, क्या बेनिफिट है पहला? क्या कहा है पहला? अलाइन रिस्क एपिटाइट, यही कहा है अपने को। सेकंड, ये रहा देखो बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अलाइन रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रेटजी, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न, एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइज एंड लॉसेस, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स, सीज द अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइज द कैपिटल। ठीक है, बताए थे ये सारे के सारे अपन ने। ठीक है ना, ये 6 नंबर का हमने इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था। अगला सवाल जो पूछा गया है वो है हमारा, सवाल को समझने की कोशिश करें। देखो सवाल बड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ रहा है, हमें उसमें से इन्फ्रेंस ड्रॉ करनी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू स्विच ऑन टू द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एज वेल एज टैक्स कंप्लायंसेस। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का सवाल है, हम डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टीड ऑफ सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंसेस, एक होता है सेपरेट, अकाउंट्स का अलग ले लो टैली, इनकम टैक्स अलग ले लो कंप्यूटैक्स, दो अलग अलग हो गए, या फिर एक सॉफ्टवेयर सिंगल लो जिसमें अकाउंटिंग एंट्री से टैक्स तक भी डेटा पास ऑन हो जाता है और आपका रिटर्न भी बन जाता है उससे। बींग ए कंसल्टेंट टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज देम ऑन द वेरियस प्रोज एंड कॉन। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग ए सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर बोथ द अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंसेस। हमें बताओ सिंगल सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, रादर देन अलग अलग होते तो। ठीक है, तो ये भी अपने नोट्स में दे रखा है। पेज नंबर 86 पे आ जाओ भाई सब लोग, पेज नंबर 86 सभी लोग देखो इसको। 4 नंबर का सवाल, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था हमने अपने वीडियो में और ये पूछ लिया गया। वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं इसके, ये भी आ चला जाएगा यूट्यूब के ऊपर और इसमें आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। और वैसे आप ढूंढोगे तो इंपॉर्टेंट के नाम से हमने बता रखा है इस सवाल को। ये देखो ये रहा, सेम हेडिंग के साथ है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंसेस। है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, 6 और 4 10 नंबर और ऊपर के जो भी है वो जो अपन प्रिडिक्ट कर रहे थे उस वीडियो में, वो यूं को यूं आए हैं कि नहीं आए हैं? तो 10 नंबर वो और 20 नंबर 6 और 4 10, 20 नंबर तो टोटल अपन देख रहे हैं, एक्सएच हो गया। अब आगे देखते हैं और भी क्या पूछे गए थे अपने से। नेक्स्ट देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, 6 मार्क्स में पूछा गया है।
वेब एप्लीकेशन आर वन ऑफ द टू वेज ऑफ यूजिंग ए सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नाउअडेज. हमने कहा था तीन तरीके होते हैं सॉफ्टवेयर को यूज करने के, पहला इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, दूसरा वेब एप्लीकेशन, तीसरा क्लाउड एप्लीकेशन. बताए थे तीन, उसमें से वेब एक होता है. ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि अपन कंसेप्ट समझ सके. जब तक वो नहीं समझेंगे अपन जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे. सॉफ्टवेयर नाउअडेज द यूज ऑफ वेब एप्लीकेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. यू बीइंग एन कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट, हैव ए लिस्ट सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द वेब एप्लीकेशन. डिस्कस किया है तो अपन ने करंटली डिस्कस किया है. कहां मिलेगा अपने को ये? चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, पेज नंबर 50 पे मिलेगा. देखें सब लोग, पेज नंबर 50 पे वेब एप्लीकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों दे रखी है. लिखते चले इसके ऊपर. ये डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ बोथ द एप्लीकेशंस. किया था अपन ने, सवाल आ गया इसके ऊपर. अभी क्वाइट रिसेंट डिस्कस हुआ है 2 दिन पहले. ठीक है ना, और मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था. मेरे ख्याल से इस क्लास में भी आपको कहा था कि आपका उनका आया था, नहीं तो आपका आ जाएगा. किसी न किसी का तो एक है, उनको भी बताया था, आपको भी बताया हुआ है. तो मतलब ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक में हर टीचर के होते हैं, चाहे कोई भी पेपर सेटर हो. ये तो उस क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट से पूछा जाना चाहिए उसके नॉलेज को चेक करने के लिए. तो ये आ गया, ये भी मार्क करवाया था हमने आपको इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो देख लो 26 नंबर के सवाल हो गए. 10 पहले वो भी मार्क करवाए थे हमने इंपॉर्टेंट. दूसरा ERM वाला, प्रोज एंड कॉन वाला, वेब वाला. अगले सवाल पे चलते हैं. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन. 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3B सवाल है. डेटा दैट इज वेटिंग टू बी ट्रांसमिटेड आर लायबल टू अनऑथराइज एक्सेस कॉल्ड एज असिंक्रोनस अटैक. एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ असिंक्रोनस अटैक ऑन द डेटा. MCQ कर रहे थे तो अपने एक वायर टैपिंग वाला डेटा लीकेज का क्वेश्चन बताया था, और मैंने उस समय भी आपको कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये बच्चों को इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है कि ये पूछा जाएगा. ये कल कहा था कि नहीं कहा था मैंने MCQ में? MCQ वाले वीडियो में मिल जाएगा तुम्हारे को. ये देखो चारों के तरीके पूछ लिए. देखो पेज नंबर 110 पे मिलेगा अपन ने, और उसको अपन ने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ है. तो देखें पेज नंबर 110 पे 4 तरीके असिंक्रोनस अटैक के. पेज नंबर 110 पे जाओ भी, सब जने एक चार्ट बना हुआ है बकायदे इसका. मिल गया सबको क्या? नहीं मिला? ये रहा देखो असिंक्रोनस अटैक, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था मैंने. 4 तरीके, डेटा लीकेज, सबवर्सिव अटैक, वायर टैपिंग, पिगी बैकिंग, और MCQ में अपने कल डिस्कस किया था अपन ने वायर टैपिंग वाला इशू. किया था नहीं किया था अपन ने? और हमने ये भी कहा था, पूरे देश भर की बात करूं मैं, बच्चे ये कंट्रोल वाला चैप्टर छोड़ के ही जाते हैं, जबकि हमने आपको कहा ये चैप्टर अच्छे से कर लेना है क्योंकि इससे अब MCQ भी बनेंगे, है ना, और बड़ा सवाल भी बन रहे हैं. देखो बनावा कि नहीं बना भाई, और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था अपन ने. कितने हो गए? 30 नंबर के सवाल हो गए. पहला सवाल जो कंपलसरी था, 2-2 नंबर के 5 सवाल वो मार्क किए थे. सेकंड ए भी मार्क किया था, थर्ड ए भी मार्क किया था. अब चलते अपन 4th क्वेश्चन की तरफ. ये तो आपको पढ़ाते हुए भी हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ध्यान हो तो. देखो सवाल पढ़ते ही आपको मजा आ जाएगा. सवाल क्या है? सब्सिक्वेंट टू डीमोनेटाइजेशन वन ऑफ योर एल्डरली नेबर हु आर यूजिंग द ट्रेडिशनल डिजिटल मेथड ऑफ मेकिंग द पेमेंट लाइक क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा asked you for help to know about the various new methods of digital payment, UPI, Aadhaar enabled services. बताया नहीं बताया था मैंने? मैंने कहा था कर लेना ये आएगा. उनको भी कहा था, ठीक है ना, उनको भी कहा था. ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहा था, उनको भी कहा था. मैंने कहा तो तुम्हारे लिए आएगा, नहीं तो मई 19 के लिए. कुछ क्वेश्चन में दोनों में मान के चल रहा हूँ, आइदर इट विल बी आस्क फॉर यू और फॉर देम. तो उनके पूछ लिया गया, अब अपने लिए नहीं होगा. अब कुछ और देखेंगे इसके अनुसार अपन, कि अपने लिए क्या बनता है. इसलिए अपन कह रहे हैं अपनी अपनी क्लास में अपन इन सारे सवालों को, जो आपके लिए भी बताए गए थे पर पूछ लिए गए, वी विल रेक्टिफाई दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आसानी से हो जाएगा, ये बताया था मैंने. नोट करो इसको, कहां मिलेगा? पेज नंबर 171 पे मिलेगा. इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था मैंने क्लास में. 171 पे देखो, न्यू डिजिटल पेमेंट मेथड्स. और इसका तो हमारा जो यूट्यूब का वीडियो अलग से भी बना हुआ है ना, आप देखेंगे चैप्टर वाइज मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां भी पाएंगे इसको खूब देखा गया है और काफी पसंद किया गया और काफी व्यूज आया है उसके ऊपर. मिल गया सबको? पहला मेथड कौन सा था? बिलागिरी मिला सबको? मिल गया नोट्स में? कौन सा है पहला मेथड बताओ तनिष.
पहला यूपीआई, सेकंड कौन सा था? देख के बता दो, देख के बता दो। आईएमपीएस इंस्टेंट ट्रांसफर वाला। थर्ड भीम मोबाइल ऐप भीम। फिर एनसीपीआई से डेवलप किया हुआ। फोर्थ कौन सा है? मोबाइल वॉलेट। पांचवा कौन सा है? एईपीएस। बताया भाई ये? तो देखो आप सारे के सारे अपन कर चुके हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं अपन। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ बी, फोर मार्क्स का। एक्सप्लेन वेरियस की एस्पेक्ट इन बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ ए कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम में कौन से इन बिल्ट आर्किटेक्चरल सिस्टम है वो हमें बताना है, फोर मार्क्स में। ये हमें मिलेगा हमारे नोट्स के पेज नंबर 205 पे, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 205 पे देखें सब लोग, आपको नजर आएगा ये की एस्पेक्ट, अलग से ही मार्क किया हुआ है। ये रे सम की एस्पेक्ट बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ ए सीबीएस सिस्टम। नवंबर 18 आ गया फोर मार्क्स में। कौन कौन सी चीजें हैं? इंफॉर्मेशन फ्लो, कस्टमर सेंट्रिक, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का फ्लो स्मूथ होना चाहिए ब्रांचेस से सर्वर तक, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह अवेलेबल होनी चाहिए ताकि 360 डिग्री व्यू दिया जा सके, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आरबीआई के सारे नियमों को मानने वाला होना चाहिए और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, ये सुविधा उसमें होनी चाहिए। तो ये भी चार नंबर का सवाल हो गया। अब आ जाओ अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है पांचवें सवाल में, 5A। इन लाइन विद द सजेशन ऑफ आरबीआई, मिस्टर एबीसी बैंक इज प्लानिंग टू ऑप्टेन आईएसओ 27001 ऑफ 2013 सर्टिफिकेशन फॉर इट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एज एन आईएएस ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सैंपल लिस्ट ऑफ रिस्क। चैप्टर 1 में हमने कुछ रिस्क बताए थे आपको, मास्टर कॉन्फिगरेशन और उसके वैसे के वैसे रिस्क चैप्टर 5 में भी है कोर बैंकिंग के, वो भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूं मैं हमेशा बच्चों को। और 6 टाइप के वो रिस्क है, उसमें से एक जरूर आता है। पिछली बार क्रेडिट कार्ड का पूछा था, इस बार उन बाकी जो बचे हुए 5 में से मैंने कहा था कोई कर लेना आएगा जरूर, ठीक है ना। ये आ गया, कौन सा आ गया? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सैंपल लिस्ट ऑफ रिस्क विद रेस्पेक्ट टू। डब्ल्यू आर टी का क्या मतलब है? विद रेस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर ए बैंक। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लेके क्या क्या रिस्क और कंट्रोल है वो बताने थे। कहां मिलेगा अपने को ये मिलेगा हमको पेज नंबर 229 पे, पेज चैप्टर नंबर 5, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था हमने। 6 रिस्क है, सारे प्रिडिक्टेबल है। मैं क्या कह रहा हूं, ये एसएसएम का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है ही नहीं, पता नहीं कौन इसको डिफिकल्ट बोलता है, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर आपने उसको ढंग से किया है तो आपका बिल्कुल पेपर अच्छे से स्कोर होगा। कल मुझे कई सारे मैसेज मिले, इधर मजा आ गया, एएसएसएम का पेपर लोग डिफिकल्ट बोलते, पर हमें तो लगा ही नहीं किसी तरीके से, ठीक है ना। अपने इसमें अभी कोई फ्लो चार्ट पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। पूछा जाता तो और मजा आ जाता, क्योंकि वो फिर अपने स्टूडेंट के लिए आनंद की स्थिति थी। लेकिन मैं बता दूं, आईटी के ओल्ड कोर्स में सवाल पूछा गया था, मैं तुमको भी देने जा रहा हूं होमवर्क के तौर पे, और फिर कल डिस्कस करूंगा तुमसे वो सवाल। हमारी क्लासेस से जो बच्चे पढ़ के गए थे सबने किया, बाकी मुझे बता रहे थे लोग तो उठ उठ के गए, सब समझ में नहीं आ रहा हमारे तो क्या है। मैथमेटिकल टाइप का सवाल था, जैसा आपके हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3-4 करवाए हुए, पिछली बार भी नवंबर में पूछा गया था एग्जाम, उसी टाइप के सवाल पे एक सवाल था, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, बड़ी आसानी से आप भी कर सकते थे। तो ये कहां मिलेगा अपने को? ये मिलेगा पेज नंबर 229 पे। देखो भाई पेज नंबर 229 पे सब लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल, रिस्क और कंट्रोल को 225 पे अभी देख लेते हैं। देखो मेरी जो हेडिंग है वो उसको एग्जैक्टली देखो आप, मेरे हिसाब से वो 229 पे, ये रहा 229 पे, ये ना क्या है देखो, सैंपल लिस्टिंग ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल विद रेस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यही तो है, यही तो कहा इसने, तो 229 पे ही है एग्जैक्टली। मैंने 6, इसमें 6 होती हैं, क्रेडिट कार्ड की होती है, लोन और एडवांसेस की होती है, मॉर्गेज की होती है, और बहुत सारी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इंटरनेट से रिलेटेड। मैंने कहा था जो पिछली बार आई है उसको छोड़ देना, बाकी कर लेना। मैं अब कह रहा हूं, अभी तो पेपर नहीं आया मई 2019 का, मैं कहता हूं पिछली दो बार वाली छोड़ देना, क्रेडिट कार्ड छोड़ देना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी छोड़ देना, बाकी 4 में से कोई एक आएगा कर लेना। इतना प्रिडिक्टेबल कौन बोलता है बताओ? ये तो वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, मई 2019 तो बहुत बाद में है,
मेरी बात याद रखना, पेपर खुलते ही देखोगे चार में से एक आया है, ठीक है ना। ये तो बात हुई है ना, एक्सपीरियंस के साथ अगर आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलना तय है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ एक्सपीरियंस बाजार में नहीं बिकता है, एक्सपीरियंस तो करने से ही होता है। और इंस्टीट्यूट को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कह सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए कई लोगों को ऐसी गलतफहमी सी हो जाती है, पेपर सही सेट करते हैं, हर बार जो बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट आ ही जाता है, लेकिन उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट के पेपर को क्लोजली देखेंगे तो आप भी आसानी से समझ लेंगे, देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल, ठीक है। नहीं बात ही नहीं है इसमें, थोड़े समय बाद मेरे ख्याल से आप भी मेरे माइंड सेट पर आ जाएंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसीलिए स्टूडेंट आसानी से स्कोर कर पाते हैं इसमें। अगले सवाल पे चलते हैं अपन, ये भी प्रेडिक्टेबल था और इंपॉर्टेंट था, बताया था हमने सबको। अगला सवाल देखो, डिस्कस वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आपको भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हमने, ये है ना, करवाया सर्वर का वर्ड, वापस बोलो क्या है आंसर था। हाँ, अब हमारे पढ़ना नहीं है, लेकिन आंसर तो पता होना चाहिए ना, किस जगह होता है इसका यूज। सर्वर कंसोलिडेशन में होता है, डिजास्टर रिकवरी में होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने। कहाँ मिलेगा अपने को ये मिलेगा अपने को पेज नंबर 174 पे, देखो भी सब लोग पेज नंबर 174 पे दे रखा है हमने, वर्चुअलाइजेशन के डिफरेंट एरिया यूसेज के। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था हमने, पूछ लिया गया नवंबर 18, कितने नंबर में, चार नंबर में। सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क स्पेस। अगर ध्यान हो तो आपके टेस्ट लेते हुए भी मैंने ये सवाल दिया था, और मैं आपको बता दूं मैंने पिछले वाले जो बैच का टेस्ट लिया था उसमें भी दिया था। मुझे एक स्टूडेंट सोनम का मैसेज आया कि सर टेस्ट पेपर में आपने सारे पेपर के जितने टेस्ट लिए 80% सवाल तो वही थे। मतलब हम पहले भी आपको क्लासों में कह रहे हैं, जब मैं टेस्ट लेना शुरू किया था मैंने तब भी क्या कहा था, हमारे सिर्फ टेस्ट टेस्ट ही दे दो आपका पेपर उसी में से बढ़ जाएगा, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। वो सोनम ने मुझे बोला है, मैसेज अवेलेबल है, अब इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें भी इस पे साथ अपलोड कर दूं मैं। सोनम ने यही कहा मुझे कि सर आपने जो टेस्ट लिए वो सारा आ गया। और भी एक स्टूडेंट थी शशिकला हमारी, उसने भी यही कहा कि सर जो टेस्ट लिए आपने हमारा तो सारा पेपर उसी से हो गया, तैयारी की तैयारी हो गई और साथ में इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट मार्क करके सारी चीजें ऐसे आ गई। कर सकते हैं ना अपन, आपको भी मार्क करवाया, ठीक है ना। 2019 के बाद में आपको भी ऐसी चीजें मिलने जा रही है, तय बात मान के चलो सभी लोग। हो गए ये सवाल, चलें आगे, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 6 सवाल आते हैं अपने, हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, पहला सवाल कंपलसरी होता है, बाकी 6 में से आपको कितने अटेंड करने होते हैं, 5 अटेंड करने होते हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी आप और आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। एक बात और समझ ले, पेपर पूरे 100 नंबर का अटेंड करना है। अगर आप चाहते हो एग्जम्पशन आए, आप चाहते हो मेरिट आए, आप चाहते हो अच्छे नंबरों से पास हो, आप चाहते हो ग्रुप कंपनसेशन हो, तो मैं कह रहा हूं आपको ग्रुप 2 में ESSM एक स्कोरिंग बन सकता है आपके लिए, बहुत आसान है, अभी आपके सामने प्रूव हो रहा है ये सब चीजें। अगला सवाल देखें अपन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A, 8 नंबर का सवाल। देखो सवाल कितना आसान दे दिया, एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर एंड देयर एप्लीकेशन टू शेयर एंड एक्सेस कंप्यूटर कॉमन कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूटिव वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, हेंस प्रोटेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, आइडेंटिफाई वेरियस स्टेप्स थ्रू विच प्रोटेक्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी अचीव्ड। प्रोटेक्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कैन बी अचीव्ड, चैप्टर हो गया कंट्रोल वाला, चैप्टर कौन सा हो गया 3, दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल रिस्क कंट्रोल, किस में पढ़ रहे हैं अपन, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक अपने को कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 112 पे मिलेगा, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, उस वीडियो में आप चेक कर लेना, हमने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ है, पेज नंबर 112 आ जाओ भी सब जने, एस सच इसी हेडिंग से आया हुआ है। ये रहा पेज नंबर 112 आपके लिए, आपके और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। देखो एस सच क्या पढ़ रहे अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, यही पूछा है, कुछ और पूछा है, यही पूछा है। अब आप देखो ये है टॉपिक, ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, एक्सेस टोकन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, यूजर आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, प्रेशर अलार्म, टर्मिनल टाइम आउट, लिमिटेशन ऑफ कंटेंशन एंड सो ऑन, सारी चीजें एस सच है कि नहीं है। और आप हमारी चार्ट बुक उठा के देख लेना,
उसमें भी हमने इसको अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, स्कोर है कि नहीं कर सकते इसको 8 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ था हमारे उस वीडियो के अंदर। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर, क्या पूछा गया उस बी पार्ट में हमसे। ये दूसरे आगे एसएम से पहले इसका एक पोर्शन ये रहा, स्टेट द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन बीपीए। अब मैं सवाल को नहीं बताने जा रहा, ये आपको मैंने कराया था और मैंने इस क्लास में भी कहा था याद रखना ये आ सकता है, मुझे बताओ क्या पूछा जा रहा है। सवाल को पढ़ो सज्जन और समझो, गोल्स टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग द बीपीए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड बाय बीपीए। मैंने कहा था स्मार्ट वर्ड याद रखना, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था ना, पूछ लिया गया 2 नंबर में। कहां मिलेगा आपको ये, पेज नंबर 6 पे मिलेगा, चैप्टर 1 में आ जाओ पेज नंबर 6 पे, ध्यान आ रहा है सबको, कहां तक नहीं कहा था पढ़ते हुए, मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में भी मार्क करवाया ये, मैंने कहा स्मार्ट वर्ड याद रखना भी आ सकता है आपके, 8 स्टेप ऑफ बीपीए इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट कहे थे और ये भी कहा था गोल्स और ऑब्जेक्टिव में ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो आप पेज नंबर 6 पे ये सवाल हमने कहा था और पूछ ही लिया गया, ये रहे क्या है देखो हेडिंग ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग बीपीए, क्या था वो चीज, स्मार्ट, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रेलेवेंट एंड टाइमली, आ गया ना सवाल, इंपॉर्टेंट मार्क कराया था तुमने, आया कि नहीं है, अटेंडेबल है कि नहीं है मेरे को बताओ, बहुत आसानी से। एक बी पार्ट और उसका है, कर लेते हैं ताकि पूरा पेपर ही आपको पता चल जाए कि ये स्कोरेबल था हमारे बी पार्ट और में, इसमें भी कॉम्बिनेशन में चॉइस है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट कॉन्फिगरेशन लेवल। मैंने कहा था बड़ा सवाल आएगा पर नहीं आया, छोटा सवाल आया पर आया तो सही ना, मैंने कहा था 6 प्रकार के हैं, कौन से, ऑर्डर टू कैश से लेके और कहां तक, एचआर तक, बताया था मैंने, और एक कॉमन टेबल बनवा दी थी मैंने आपसे, और मैंने कहा था इसमें से एक सवाल जरूर बनता है, पिछली बार भी बना था इस बार भी बना है, नंबर भले ही 2 का हो आया तो सही ना, प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था आपको, आ गया कॉन्फ़िगरेशन के 2 ही है। पेज नंबर कहां मिलेगा आपको, ये पेज नंबर मिलेगा 29 पे, हमने करवाया था आपको सबको, अगर ध्यान हो तो ये सबको पता है, हमने एक बकायदे इसका चार्ट बना रखा है सबके आसान तरीके से याद करने के लिए, ऑर्डर टू कैश से लेके फिक्स एसेट तक किस तरीके से आप डिफरेंट कंट्रोल्स को, जनरल लेजर के कंट्रोल्स को याद कर सकते हैं, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन और तीनों लेवल पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं? यही है, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन रिस्क एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर, 2 ही तो है, डिस्कस भी हुए थे क्लास पे अपने, बताओ पूरा का पूरा जो 120 मार्क के सवाल आए हुए हैं क्या कुछ भी ऐसे हैं जो नहीं डिस्कस हुए या नहीं बताए गए या इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करवाए गए, जो जो प्रिडिक्टेबल किए गए वही बताए गए, आए कि नहीं आए उस तरीके से? अब मुझे बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर सकते कि नहीं कर सकते? और जब अपन पूरी क्लास खत्म करेंगे ये May 19 अटेम्प्ट के लिए, फिर अपनी ये क्लास लेंगे जिसमें EIS और SM के आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, ये पूरा का पूरा आपका जो 100% का भी सिलेबस है ये घट के कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 60% में कन्वर्ट हो जाएगा, और 60 में से ही आपके एग्जाम में सवाल उठेंगे, अभी भी ऐसा ही हुआ, ठीक है? मैं कहूंगा, जरूर कहूंगा, आज 1 घंटा खर्च करके उस इंपॉर्टेंट वीडियो को मेरे देख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे उसका, वैसे ढूंढने से भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे batrasar.com पे, लेकिन आप इसको जरूर देखना ताकि मैंने जो बातें कही है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अगर ऐसी तैयारी कर ले और क्लासेस में अटेंटिव होकर बैठ जाए और जो कह दिया जाए वो मान लिया जाए तो उसका नतीजा आपके भी अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, तय बात। फिर से कह रहा हूँ, हमारे दिए गए इन सारे नोट्स को तो अभी पढ़ना ही पढ़ना है, ये इसके, ठीक है? फिर SMB पढ़नी पढ़नी अपने को, ठीक है? उसके बाद अपने को जो चार्ट बुक बताई गई है इसको क्या करना है अपने को, जो 60 पेजेस की है ये फाइनलाइज कर देनी है अभी पढ़ते हुए, और एग्जाम में ऑडिट का पेपर खत्म होते ही इसको साथ लेके बैठना है और कुछ नहीं करना है अपने को। इसमें सारी चीजें आपकी EIS और SM की कवर हो जानी चाहिए, SM में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, SM में काफी डिलिबरेट मैंने कर रखा है, EIS में थोड़ा बहुत आपको लगेगा तो आप अपने हिसाब से इसमें और अरेंज कर लेना, और उसके साथ क्या लेकर बैठोगे आप, 24 पेज के हमारे फ्लो चार्ट लेके बैठना, चूंकि इस बार नहीं पूछा गया है 200% मान के चलो 6 से 8 नंबर का सवाल इसमें से उठेगा, इस बार हमने कहा था नहीं आया लेकिन अगली बार पक्का है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछे ही नहीं आपसे,
तो जरूर उठेगा, तो ये लेके बैठना है। तो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक होनी चाहिए फ्लो चार्ट, एक होनी चाहिए आपके पास में ये हमारी चार्ट बुक, दूसरी होनी चाहिए फ्लो चार्ट, और तीसरा आपके पास होना चाहिए हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। अभी इसका एनालिसिस मैंने नहीं किया है, अगले वीडियो में आपके साथ इसी क्लास में बैठ के मैं एनालिसिस करके पेज नंबर समेत बता दूंगा कितने नंबर के सवाल उठे। पिछली बार 67 मार्क्स के सवाल आए थे, इस बार मुझे देखना है कितने नंबर के सवाल आए, होप करता हूं इससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। और ऐसा का ऐसा एक वीडियो में बहुत जल्दी अभी लोड कर दूंगा, या मैं पुराने ITSM के कोर्स की बात कर रहा हूं, वो पेपर भी मेरे पास है, पर इस क्लास में एनालाइज करने से मतलब नहीं है क्योंकि आपका कोर्स नया वाला है तो आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है, उसका एक वीडियो में सेपरेट बच्चों के लिए लोड कर दूंगा जो हमसे पढ़ के गए इंडिया वाइड, इसमें से भी सारे सवाल जो हमने बताए थे वही उठे, इसके लिए भी मैंने वीडियो डाले थे। और इसका क्वेश्चन बैंक तो और भी ज्यादा बढ़िया है, आप देख रहे हो क्वांटिटी वाइज भी, आप वाला तो करीब 200 पेज का है, ये करीब 319 पेज का है, इसमें ज्यादा माल है। क्यों है? क्योंकि पुराने ITSM कोर्स को चलते हुए बहुत अटेम्प्ट हो गए, आपके तो अभी चलते हुए 2 अटेम्प्ट हुए हैं, है ना, ये तीसरा अटेम्प्ट का एग्जाम हम मानेंगे मई 19 का जो आपका होगा, तो अभी उतना ज्यादा हमारे पास में मसाला नहीं है, लेकिन इसमें सब कुछ है, तो इसमें सब कुछ होने के कारण इसका बेनिफिट बच्चों को मिला, ठीक है। बात आ गई सबको समझ में? अब एक सवाल मैं चाहूंगा आपकी भी टेस्टिंग हो जाए, बता दूं मैं आपको, SM का पेपर देखना है क्या? ठीक है ना, वो अपन बाद में देख लेंगे SM को, ये तो डिस्कस हो गया अपने ढंग से। अब केवल मैं आपको फ्लो चार्ट का एक सवाल देने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा उस फ्लो चार्ट के सवाल को आप जरूर घर पे अटेंड करें, ठीक है, मैं भी बताने जा रहा हूं आपको फ्लो चार्ट का सवाल मेरा। देखो कितना मजेदार सवाल आया था, बहुत आसान सवाल, और इसको आप भी स्कोर कर सकते थे। देखो ढंग से सब लोग, थोड़ा सा पेपर मुड़ा हुआ है स्कैन करते हुए, कंसीडर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, देख रहे हो सब जने, पहला स्टेप क्या है इसमें, स्टार्ट, दूसरा स्टेप क्या है, प्रोसेसिंग का है, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, जेड इक्वल टू 30, एस इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, दिख रहा है सबको, क्लियर है, प्रोसेसिंग हो गई। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, कुछ क्या असाइनमेंट कर रहा है, जेड को एस में भेज रहा है, वाई को जेड में भेज रहा है, असाइन कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है, एक्स की वैल्यू वाई में असाइन कर रहा है और एस की वैल्यू एक्स में असाइन कर रहा है, हो जाएगी असाइनमेंट जो भी ऊपर वैल्यू दी हुई है। फिर कहता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ऊपर 0 था तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। फिर कहता है क्या आई की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है, तो यस करते ही जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने असाइन की है यहां पे, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। हालांकि प्रिंट का सिंबल गलत है, क्योंकि प्रोसेसिंग वाला बना दिया, या तो ये डिस्प्ले वाला बनाता या वे प्रिंट वाला बनाता, लेकिन अब इंस्टीट्यूट की गलती पे अपन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, मैंने कहा है ना, शादीशुदा जिंदगी के लिए भी जरूरी है ये, जिस दिन जिसको ये समझ में आ जाएगा, खासतौर से लड़कों को कह रहा हूं मैं, कभी झंझट ही नहीं होगा, बॉस इज ऑलवेज राइट, इवन दो दे मे बी रॉन्ग बट वी अज्यूम दैट दे आर ऑलवेज राइट, तो अपन उसकी गलती के ऊपर बात नहीं कर सकते, हम तो प्रिंट मान के प्रिंट कर देंगे, बताओ ये कर सकते थे नहीं कर सकते थे। इस पर चार सवाल पूछ लिए इसने, क्या क्या चार सवाल पूछ लिए, पहला तो सवाल यही पूछ लिया हमसे कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, दूसरे में क्या पूछ लिया, अगर स्टेप बी पे आई इक्वल टू 1 की जगह आई इक्वल टू 3 रख लें तो आउटपुट क्या होगा, मतलब 3 बार ये लूप में चले। तीसरा सवाल कह दिया आई पे 1 की जगह 6 रख दूं, ये लूप 6 बार चले तो इसका आउटपुट क्या होगा। और चौथा कहता है स्टेप नंबर बी में जहां ये आई इक्वल टू 1 पूछा जा रहा है, इसमें ऊपर में आई इक्वल टू जो ये पूछा जा रहा है 0, इसी में अगर मैं परिवर्तन करके आई इक्वल टू 1 कर दूं, 0 से नहीं शुरुआत करके किससे कर दूं, मैं आई इक्वल टू 1 से शुरुआत कर दूं तो इस सवाल में क्या होगा। सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? चलो अब ये मैंने सवाल तो यहां पे दिखाया, मैं यहां साथ में आपके बना देता हूं, आप सब लोग इस सवाल को बना लो और घर से सॉल्व करके ला रहे हो मेरे लिए, लिखो क्या था पहला स्टेप, क्या हमारा स्टार्ट, पहला स्टेप क्या हमारे लिए स्टार्ट, दूसरा स्टेप क्या था हमारे लिए, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, जेड इक्वल टू 30, उसके बाद एस इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, यही थे, ये कुछ और था मैथमेटिकल कैटेगरी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या कह रहा था, ये अगले स्टेप में कह रहा था एस इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू एस, सारे असाइनमेंट हो गए राइट से लेफ्ट की तरफ। उसके बाद क्या कह रहा है ये आगे, उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहा है, ठीक है,
उसके बाद क्या कर रहा है, कंडीशन पूछ रहा है इफ आई इक्वल टू वन, अगर आप यस कह रहे हो तो एक्चुअली इसको या तो प्रिंट ऐसा बनाना चाहिए था एक्स वाई और जेड तो ठीक होता, प्रिंट का सिंबल इसका ठीक नहीं है और फिर स्टॉप कर दिया, और अगर ये नो कर रहा है तो क्या कर रहा है ये फिर से यहां लेके आ रहा है। यही सवाल है, यही सवाल है, कुछ और है? एग्जैक्टली दिस इज द क्वेश्चन। 8 नंबर का सवाल पूछा हुआ है ये आईटी ओल्ड कोर्स में हमारा, 8 मार्क्स। ठीक है, अभी खोलते हैं इसको। ठीक है, 8 नंबर का सवाल पूछा हुआ है, मैं चाहूंगा इसका पहला पोर्शन अभी तुरंत मुझे सॉल्व करके बताओ सब जने, मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैंने मेहनत की आप लोगों के ऊपर तो उसका नतीजा मुझे मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है सबको ये? थोड़ा सा छोटा कर लेते, दिख रहा है आप सबको? लास्ट स्टॉप नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? फटाफट से सॉल्व करके बताओ मेरे को ये। एस इक्वल टू जेड नहीं समझ में आया भाई? एस इक्वल टू जेड का क्या मतलब है? जेड की वैल्यू एस में दो, असाइनमेंट हो रहा है ना, नहीं करते क्या? सम इक्वल टू जीरो नहीं करते थे अपन फ्लो चार्ट में, आई इक्वल टू वन नहीं करते थे अपन, सी वन इक्वल टू जीरो सी टू इक्वल टू जीरो नहीं करते थे, वैसे ही तो है। क्या इस स्टेप भी समझ में आया क्या? आप तो हमें प्रिंट करके बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, ये सारे प्रोसेस के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या प्रिंट होगी मुझे तो ये बताओ आप। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर ये सवाल आपके आ जाता तो हमारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं इंडिया भर में हमसे, वो कर पाते कि नहीं कर पाते, या मुझे कोई गलतफहमी हो रही है कि हम पढ़ा रहे हैं जो उसमें से बच्चे कर पाते हैं, ये अभी मुझे देखना है। सो डू इट फास्ट, देखो कितने लोग कर पाते हैं। सोच समझ के करना, हाँ I को टू आई प्लस वन है। टेबल बनानी आती है क्या सबको? तो बस टेबल बनानी है। और हम तो क्लेम करते हैं कि ये सवाल हम ही किया करते हैं केवल, और इसीलिए हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे सवालों को करने में, कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे पेन ड्राइव क्लासेस से पढ़ रहे हो हमसे, चाहे फ्रेंचाइजी मोड में पढ़ रहे हो हमसे, चाहे फेस टू फेस में पढ़ रहे हो हमसे, सब ये सवाल करके आते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट है गौरव मपारा करके, जैसे ही उसका पेपर खत्म हुआ तुरंत उसने मैसेज किया, मजा आ गया सर मैंने क्लास में ये सवाल किया था और मैंने कर दिया, ये मेरे आसपास में देख रहा था लोग कह रहे थे फ्लो चार्ट कैसे होगा, मेरे लिए तो दिक्कत ही नहीं थी और बड़ी आसानी से किया उसने। वैल्यूज असाइन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, वैल्यू असाइन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप अभी आ जाएगा आंसर।
हो गया? देखो मैं बोर्ड पर कर रहा हूं, आप लोगों ने भी किया होगा, चेक कर लें आपका रिजल्ट और ये मैच खाता है कि नहीं खाता है। एक्स की वैल्यू क्या है? 10। वाई की वैल्यू कितनी है? 20। जेड की वैल्यू कितनी है? 30। एस की वैल्यू कितनी है? 0। आई की वैल्यू कितनी है? 0। 0 0 करो, शुरुआत में 0 थी, 0 से करो, शुरुआत में 0 थी। 1 वाला एक सवाल और था, 1 वाला इसका पार्ट 4 है, ठीक है ना? 1 वाला पार्ट क्या है इसका? 4 है, वो वाला भी करेंगे अपन, पर अभी 0 से देखते हैं अपन। क्लियर है? अब कह रहा है एस इक्वल टू जेड, इसका मतलब समझ रहे हो, जेड की वैल्यू एस में डालो। क्या है जेड की वैल्यू? जेड कितना है? 30। एस में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ठीक है। अगला कहता है वाई की वैल्यू जेड में डालो, वाई की वैल्यू कितनी है? वाई कितना है? 20। जेड में अब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओवर राइट करता है सब चीजों को। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू वाई, मतलब जो एक्स में वैल्यू हो वाई में डाल दो। एक्स में कितना है इस समय? तो वाई में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है एस इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स में डाल दो। एस कितना है इस समय? एस कितना है? 0 का है। एस की वैल्यू का है? एस की वैल्यू तो 30 हो चुकी ना, अब तो बदल गई ना, अपने अगले स्टेप पे 0 का है। फ्लैशबैक में थोड़ी जी ना अपने को, एस की वैल्यू 30 है, किसमें डालनी है अपने को? एक्स में। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। उसके बाद कहता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1। क्या इतना सबको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। आगे कहता है क्या आई की वैल्यू 1 है? बिल्कुल है। तो यस करो तो प्रिंट कर दो एक्स वाई जेड को, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? 30, 10 और 20, दो नंबर आपके। इतना सवाल था, ये को डिफिकल्ट है क्या? सिंपल प्रोसेस और आउटपुट नहीं कर सकते क्या अपन? बहुत आसानी से कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते? अब सपोज करो यहां आई इक्वल टू 0 की जगह आई इक्वल टू अगली बार के लिए क्या हो जाता? 1 हो जाता। आई को 0 की बजाय कहां से शुरू करें? 1 से करें। फटाफट से कैलकुलेट करो, बाकी दो मैं घर पे दे दूंगा। अगर आई की वैल्यू 1 से शुरू करते तो अब क्या आएगा, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आई की वैल्यू 1 से शुरू करो और बनाओ टेबल। आई की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, वो मेरे को नहीं पता है, मुझे तो आउटपुट बताओ क्या आएगा, इसी पे तो नंबर देना है हमको। पूछ लोगे तो तुम्हारे को बताएगा कौन एग्जामिनेशन हॉल में? तुम तो इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए। तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो लेकिन मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे तो बताओ इसका आंसर क्या लिखे वहां पे। मुझसे डिस्कस मत करो, एग्जामिनेशन हॉल में किससे डिस्कस करोगे? मुझे तो बताओ इसका आंसर क्या लिखते तुम होते तो करोगे जब पता चलेगा। इनवैलिड ट्रांजेक्शन है कहां यहां पे? ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, कोई आउटपुट देगा ही नहीं। किस में चला गया ये? सोच तुम सही रहे हो लेकिन उसको मेरे से डिस्कस मत करो, कॉपी में लिखो क्या करना है इसको। दिस हैज बिकम एन इनफाइनाइट लूप, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, नीचे आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 2। आप कंडीशन पूछ रहे हो कि आई 1 है, कभी नहीं होने वाला, वो तो 1 2 3 4 ऐसा करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 1 कभी होगा क्या? जब 1 नहीं होगा तो ये कभी रुकेगा क्या? रुकेगा तो कभी प्रिंट होगा क्या? प्रिंट कुछ होना ही नहीं, मतलब आप एक इनफाइनाइट लूप में चले गए। बताओ कोई डिफिकल्ट टास्क है ये आपका दो नंबर और आपको दिला था, ये ए पार्ट में था, ये डी पार्ट में था, और बी और सी पार्ट और थे। बी और सी पार्ट क्या कहते हैं? अगर ये 0 से ही शुरू किया जाए, क्या कह रहा है ये 0 से ही शुरू किया जाए, लेकिन यहां आई की वैल्यू 1 नहीं पूछ के हम 3 पूछ लें और अगले सवाल में 6 पूछ लें तो क्या होगा? तो 3 बार लूप चलाना पड़ेगा और 6 बार लूप चलाना पड़ेगा, यही बात है। तो क्या ये सवाल गेटेबल नहीं है क्या? है या नहीं है? मैं तुम्हारे को याद दिला दूं, फ्लो चार्ट में मैंने तुमको ये सब सवाल करवाए हैं भाई। ये देखो सवाल नंबर, ये देखो 2 कुछ इस तरीके का था, ये 3 कराया था कि नहीं कराया था इसी तरीके का। इसके अलावा 3 के साथ साथ मैंने एक सवाल और कराया था जो नवंबर में पूछा गया था 17 में, वो भी कुछ इसी टाइप का सवाल था। करवाया था नहीं करवाया था मैंने क्लास में उसको भी? ये फ्लो चार्ट के सारे सवाल आपको करवाए हुए ध्यान हो तो। और इसी टाइप का एक सवाल नवंबर अटेम्प्ट में जो पूछा गया था मैंने वो भी करवा दिया था आपको।
ध्यान आ रहा हो तो सबको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैंने कहा था ये भी जब पूछा गया था मैक्सिमम लोग नहीं कर पाए थे, केवल अपने पढ़े हुए बच्चे ही कर पाए थे, क्योंकि वो भी फिर मैथमेटिकल टाइप का ही सवाल था। कर सकते कि नहीं कर सकते अपन, जिसमें एन वाला सवाल था वो ध्यान आ रहा सबको? ये रहा, कराया था नहीं कराया था? देखो लिखा हुआ नवंबर 17, ये सवाल भी कराया था मैंने। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग स्टेप्स, L1 में N1 इक्वल टू 1 प्रिंट एन, इसका फ्लो चार्ट ही बनाना था जिसके नंबर थे। बताओ ऐसी चीजें अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वो सारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो पेन ड्राइव से पढ़ रहे हों, फ्रेंचाइजी से पढ़ रहे हों, चाहे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, मुझे पता है फ्लो चार्ट का सवाल आया तो डेफिनेटली आप करोगे, और आप मई 19 में मान के चलो एक सवाल आपके आने वाला है। ठीक है, ओल्ड कोर्स का भी लास्ट अटेम्प्ट है वो, तो उसमें तो आना ही आना है आपके, तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इस अटेम्प्ट में नहीं आता तो अगले अटेम्प्ट के लिए वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। तो बताओ सब कुछ प्रिडिक्टेबल है या नहीं हमारे पेपरों में, है ना? आसानी से कर सकते कि नहीं कर सकते फिर? अब बताओ ये SSM का पेपर कोई स्कोर करना मुश्किल है या प्रिडिक्ट करना मुश्किल है क्या आपके लिए? बस क्लासेस में अटेंटिव होकर तैयारी करते चले जाओ, जो हम कह रहे हैं उसको मान के फॉलो करना शुरू कर दो, दिक्कत नहीं आएगी। मान लो हेडिंग सब हेडिंग वाले जरूर प्रॉब्लम में हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया। पिछले साल दो साल से ऐसा चल रहा था हेडिंग हेडिंग सब हेडिंग कर लो, काम कर लो अपना, जैसे तैसे पास कर लो, अब वो बात होने नहीं जा रही। हेडिंग सब हेडिंग वाले इस तरीके के पेपर में बताओ कर पाएंगे क्या काम अपना? तो और नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? सवाल समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मटेरियल चाहिए आपको, कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको, एग्जाम्पल चाहिए आपको, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अभी तो मैंने SM का पेपर डिस्कस नहीं किया आपके साथ, SM का पेपर डिस्कस करूंगा जब अपन SM पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आप आएंगे उसमें, तो इसमें से डायरेक्ट सवाल ही नहीं है, इनडायरेक्ट सवाल है, तो उसके लिए तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा? अभी तक जो अपन ने एक यूनिट डिस्कस किया है उसका सवाल बता दूं क्या मैं? उसका तो बता ही दूं ना, चैप्टर 4 डिस्कस हो गया अपना, चैप्टर 4 का एक सवाल अपन कर लेते हैं, बस उतना कर लेते हैं ताकि अपने को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ जो हमने किया है वो हम कर पा रहे हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था प्रोएक्टिव आपकी नहीं, वो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, मैनेजमेंट इज प्रो, हाँ स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये IT ओल्ड में भी पूछ लिया गया सवाल और ये एस के नए वाले सवाल में भी पूछ लिया गया, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था हमने, आई गया ये। देखो ये रहा सी वाला पार्ट, देख रहे हो सी वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, ठीक है ना? ये सब डिस्कस करेंगे अपन चैप्टर नंबर 1 में इसको अपन, तो ये वहां पे हमने बताया हुआ था। अब आपके लायक कौन सा सवाल है जरा मैं वो बता देता हूं, जो चैप्टर 4 से आपके लिए पूछ लिया गया। एक तो कंपलसरी में एक सवाल आ गया है, एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। देखो भाई ये तो पुराना पेपर है, ओल्ड का पेपर है, नया पेपर देखना है अपने को, नया पेपर देखते हैं अपन। हाँ ये रहा दिस वन, देखें सबसे पहले देखो सी पार्ट इसका, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, बताई थी हमने आपको, आपके देखो नोट्स हाथ में होंगे, पेज नंबर 49 पे देखो, पेज नंबर 49 चैप्टर नंबर 4, और इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ है मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस है टॉपिक अपना, मिल गया पढ़ा अपन ने, ये कितने नंबर का सवाल आ गया? 2 नंबर का सवाल आ गया। एक और सवाल जो इस यूनिट से पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में, देखो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा सवाल है? देयर इज नो सच थिंग एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कहता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है, होता है कि नहीं होता है? फॉरवर्ड भी होता है बैकवर्ड भी होता है, किसमें होता है? ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के दो रूट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, हमने एग्जाम्पल दिया था कैमलिन पेन वाला, कैमलिन अपने पेन बनाता था, मार्केट में जब शाही की कॉस्ट बढ़ने लगी उसे लगा मार्केट नियंत्रित करना चाहिए, शाही बनानी शुरू कर दी, इंक बनाना बैकवर्ड जाना, और अगर अपने स्टोर खोल देते हो और उसके थ्रू माल बेचते हो क्या तरीका कहलाएगा? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और जो इसमें पूछा हुआ है, सपोज करो मेरा हॉस्पिटल है और मैं अपने हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती भी करता हूं, उनका इलाज भी करता हूं, अब एम्बुलेंसेज सर्विसेज भी मैं किसी की थी वो एक्वायर कर लेता हूं ताकि मरीज मेरे तक आ जाए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है कि बैकवर्ड है?
मरीज मेरे तक आए, फिर मैं इलाज करके उनको ठीक करके भेजूं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। एम्बुलेंस सर्विसेज किसी से हायर नहीं करूंगा, एम्बुलेंस सर्विसेज क्या करूंगा मैं, अपने में अक्वायर कर रहा हूं। क्या तरीका ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है या नहीं है, ये सवाल पूछ लिया गया, चैप्टर वन में भी पढ़ेंगे और यहां भी है। देखो ये सवाल कहां है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला, बता दूं मैं तुम्हारे को, ये रहा डी पार्ट। एक्वायरिंग एन एम्बुलेंस सर्विस बाय द हॉस्पिटल इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, तो ये फॉल्स है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ही है। किसका एग्जांपल है ये, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसकी इसी से मान सकता हूं ये सवाल भी, तो दो और दो चार नंबर के हो गए, एक कंपलसरी और एक दो सवाल ट्रू एंड फॉल्स है, चार नंबर छह नंबर के सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या पूछा हुआ है चैप्टर फोर से, बस इतना ही पूछा हुआ है। तो एक तो स्ट्रेटेजिक अलायंस आ गया, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन आ गया। अब थोड़ा याद करो मैंने पढ़ाते हुए तुम्हें क्या कहा था, चैप्टर नंबर फोर हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज की, यही बात की थी मैंने, ध्यान करो जरा थोड़ा सा, क्या मैंने बताया था, अगर चैप्टर चार का वो पहला दिन आपको याद हो जब मैंने बताया था, तो क्या कहा था मैंने, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट अल्टरनेटिव्स की बात करो तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी चार प्रकार की, स्टेबिलिटी ग्रोथ एक्सपेंशन रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन। और मैंने ये भी कहा था कि आपको मई में देखो दो सवाल आ चुके हैं 18 में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन पे, रिट्रेंचमेंट पे, तो फिर बाकी बच गए कौन थे, स्टेबिलिटी और ग्रोथ ही कहा था मैंने, इसी पे सवाल आएंगे। तो बताओ ग्रोथ पे ही सारे सवाल आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, स्ट्रेटेजिक अलायंस किसका पार्ट, ग्रोथ का पार्ट, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का सवाल किस पे सवाल, छह नंबर के सवाल आ गए ना आपके, तो देखो पिछली बार सात नंबर के सवाल थे, इस बार कितने नंबर के सवाल हो गए, छह नंबर के सवाल हो ही गए। अब मैं आज ही बता रहा हूं, मई 19 तो बहुत दूर है, मैं आज ही बता रहा हूं तुम्हारे को अब तुम्हारे को क्या कर लेना चाहिए। अब तुम्हारे को मेनली ध्यान देना है इंटेंसिफिकेशन पे और डाइवर्सिफिकेशन पे, और खास तौर से कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट पे कुछ आएगा, कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट पे खूब आएगा, इसको ढंग से करके जाना। आईटी ओल्ड एसएम के ओल्ड सिलेबस में तो ये सवाल पूछ लिया उन्होंने, कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट वाला आपके लिए पूछने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो रिट्रेंचमेंट उन्होंने पूछ लिया, ग्रोथ का कुछ पूछ लिया, बाकी क्या बच गया, एक स्टेबिलिटी, एक कॉम्बिनेशन और ग्रोथ का बाकी बचा हुआ पोर्शन। ग्रोथ बहुत बड़ा है, अपन ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ से सवाल आ गए तो अगली बार ग्रोथ से कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ग्रोथ बहुत बड़ी चीज है। तो ग्रोथ में बाकी बची हुई चीजों पे कंसंट्रेट करना है अपने को, जिसपे इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में जो चीज नहीं आई है उससे सवाल बनेगा। आज ही बोल दिया, ये तो वीडियो आज चला जाएगा, मई 19 तो बहुत दूर है, मेरी बात याद रखना, पेपर करके आओ, उसके बाद में एक मैसेज जरूर डाल देना कि सर आपने कहा था वो आया, मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी बातें याद रही तुम्हारे को एंड तक, और उससे तुम करके गए तुम्हें फायदा हुआ। स्टेबिलिटी अच्छे से करेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी दो तीन अटेम्प्ट से पूछी नहीं गई है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, मेजर रीजन आ सकते हैं, एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है, खास तौर से इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन करना फॉरवर्ड बैकवर्ड को छोड़ के, खास तौर से कंसेंट्रिक कॉन्ग्लोमेरेट कर लेना या फिर कंसेंट्रिक और को जेनेरिक और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कर लेना, इससे सवाल हो सकता है, बात बड़ा सवाल हो सकता है। प्रिडिक्टेबल है कि अनप्रिडिक्टेबल है बताओ। अब अगर तुम मेरी थॉट पे सोच के देखो तो बताओ तुम भी अपना पेपर इस तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे एग्जाम दिनों में, और हमारी पूरे 100% के कोर्स को अपन 60% में कन्वर्ट कर लेंगे जितना हमें एग्जाम में तैयार करना है। 100% मुझे मालूम है बच्चों से तैयार नहीं हो पाता, कम से कम इतनी हेल्प तो हम कर दें कि हमारे अपने एक्सपीरियंस से आपका काम आसान कर दिया जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आज टाइम निकाल के वो एक घंटे का मेरा वीडियो जरूर देख लेना इंपॉर्टेंट वाला, वैसे मैं इसके नीचे भी लिंक दूंगा, पर ढूंढोगे तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा, तुम्हें मेरी बात पे बिलीव हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमारी तैयारी चलती रहे। ये एसएसएम स्कोरेबल है, एग्जम्पशन के लायक है, मेरिट के लायक है, एआईआर रैंक के लायक है। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है।